नमस्कार, हिंद क्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रई सुलेमान। भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है। उन्हीं में से एक थे टीपू सुल्तान। 18वीं सदी में शेर मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के बेंगलुरु के पास कुल्लार जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली था। उनके पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य के सेनापति थे, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य के शासक बने। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य के लिए कई तरह के प्रयोग किए और इसी के चलते उनको एक अलग उपाधि भी मिलती है। बता दें कि टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के मृत्यु के बाद 1782 में सिंहासन पर बैठे। शासक के रूप में उन्होंने अपने शासनकाल में कई नई नीतियों को लागू किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा और अपने साम्राज्य की रक्षा की। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में कई बदलाव करके नई राजस्व नीतियों को अपनाया, जिसे काफी फायदा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध क्षमता में बेहतरीन इजाफा किया। आपको बता दें, टीपू सुल्तान के शासनकाल में ही पहली बार मिसाइल रॉकेट बनाई गई थी। ये हवा में करीब 200 मीटर की दूरी तय कर सकती थी, जिससे विरोधियों को ज्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता था। टीपू सुल्तान एक दुस्साहसी योद्धा थे एवं अत्यंत प्रतिभाशाली सेनानायक भी थे। वह हमेशा कहा करते थे कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ियों की तरह लंबी जीवन अच्छा नहीं है। इसी विश्वास का पालन करते हुए श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी टीपू सुल्तान की मौत। हालांकि जब भी उनकी जयंती आती है, देश की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि कुछ लोग टीपू सुल्तान को धार्मिक उन्मादी के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को असहिष्णु शासक के तौर पर पेश की, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे टीपू सुल्तान। 1791 में जब मराठा घुड़सवारों ने सिंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा, तो टीपू ने प्रतिमा बनाने के लिए पैसा दिया। इसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करते थे। रंगनाथ का मंदिर उनके महल से सिर्फ 100 गज की दूरी पर था, जहां वो अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता पर बर्ताव किया करते थे। वहीं उन हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति कठोर थे, जो प्रत्यक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद किया करते। हिंद क्लिक से मैं रईस सुलेमान। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे।